ये लोग तो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, 48 घंटे बाद क्या पता कौन सी वही आए। और अरविंद केजरीवाल कहे कि नहीं, जनता नहीं चाहती कि मैं इस्तीफा दूं, इसीलिए ये पीड़ा मैं इस वक्त कुर्सी पर रहकर सहन करूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भाजपा इररिलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करें, बयानबाजी करें, क्योंकि हकीकत ये है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जीत करके आए थे भारी बहुमत के साथ, तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो विजिलेंस की जो विंग थी वो उनसे छीन ली। उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, एलजी को ही दिल्ली का मालिक बना दिया। आज ऐसी हालत कर दी कि अफसर जो हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं मानते हैं और सिर्फ एलजी ही दिल्ली को चला रहे हैं। तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आपका नेटवर्क चला गया। मैं आती हूँ, आवाज मेरी हाँ, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, मतलब वो ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपका नेटवर्क चला गया, वापस आ गया। ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार की छीन ली और उन्हें मजबूर कर दिया कि आप, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में शब्द होता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप सारी पावर्स छीन लीजिए और उसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा दीजिए कि जिम्मेदार आप है हर चीज के लिए। नहीं नहीं, पर मैं आपके पहले वाक्य पर जाना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं बीजेपी रेलेवेंट नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बीजेपी के लिए सोच ही नहीं रहा है बीजेपी क्या कह रही है क्या कर रही है। प्रदीप भंडारी यहाँ पर मौजूद है, प्रदीप जी आपका कोई रेलेवेंस नहीं है, उनको जो करना है करेंगे। और इनफैक्ट सोशल मीडिया पर जाइए, उनके जितने भी समर्थक है ये कह रहे हैं कि अब आने वाले कई दिनों तक अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे कि किस पिच पर बीजेपी को खेलना है। ये रहा अरविंद केजरीवाल का 2019 चुनाव के पहले का, 2024 चुनाव के पहले का बयान, जब उन्हें दिल्ली की जनता को कहा था कि मुझे वोट दे दो, अगर मुझे वोट दोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली की जनता ने बोला था नहीं अरविंद केजरीवाल जी, नहीं आम आदमी पार्टी जी, आप जेल वापस जाइए, और वो जेल वापस गए थे। देखिए रूपिका जी, आज ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल अंदर से मानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तभी उनको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो ईमानदार है। कोई ईमानदार व्यक्ति कोई बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो ईमानदार होता है, जो व्यक्ति को पता होता है कि जनता की नजर के अंदर वो भ्रष्टाचारी है, इसीलिए वो जनता के बीच में जा रहा है। और इसीलिए जेल के अंदर उनको समझ में आ गया था, जब हर दिन उनके जो कह रहे थे पॉलिटिकल मीटिंग्स करके, उनके ये चीफ मिनिस्टर के क्लोज एड्स आते थे, पार्टी के लोग आते थे, वो क्या कहते थे, मुख्यमंत्री जी आज छवि पार्टी की जो है वो भ्रष्टाचार की पार्टी हो चुकी है। तो अब ये उनका लास्ट रिजॉर्ट हो गया, ये लास्ट पीआर स्टंट है, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो क्यों जाते जनता के बीच में प्रूव और सर्टिफिकेट मांगने की वो ईमानदार है। तो आज आम आदमी पार्टी ने जो ये कहा है उससे स्पष्ट है रूबिका जी की वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। सतीश के सिंह साहब, भ्रष्टाचारी पार्टी है, प्रूव करना है इसीलिए ये स्टेप लिया गया है, या फिर अरविंद केजरीवाल अब मास्टर हो गए हैं राजनीति के प्यादे या चाले चलने में, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं बताता हूं कैसे राजनीति की जाती है। देखिए, भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल, अदालत के फैसले, इन पर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन राजनीति में जहां तक है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी भी केजरीवाल को मात दे नहीं पाई। हमको तो लगता है थोड़ा भाजपा को खुश होना चाहिए कि अब केजरीवाल जी बाहर आ गए, है ना, कि गुजरात में कांग्रेस और आप पार्टी लड़ती रही और भाजपा 150 पार कर गई। तो अब तो ये देखना है कि केजरीवाल जी कौन सा अवतार लेते हैं। लेकिन राजनैतिक रूप से आप हमसे पूछिएगा तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन है, और मैं बात करता रहता हूँ लोगों से, और भाजपा तमाम राजनैतिक कोशिश करने के बावजूद ये 3 लोकसभा वाला हर जगह, वो हर बार ऐसे ही होता है, अजब है। तो अगर उसी पर पार्टी को माना जाए तो 3 लोकसभा में ये लोग जीते, और तो फिर ये 3 विधानसभा 4 विधानसभा केजरीवाल जीतेंगे। दिक्कत हमको तो ज़्यादा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल ये इसके क्या समीकरण रहते हैं, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। हरियाणा में होने वाला था, नहीं हुआ, लोकसभा में हुआ, फिर तुरंत टूट गया। तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो अपने वाले जो लिस्ट है ना भाजपा को, बहुत सारे उनके यहाँ भी बैठे हुए हैं प्रोटेक्टी, ये लोग तो सरकार बनाने के लिए बिगाड़ के भी बना देते हैं, तो वो उनमें भी कई आपको मिल जाएंगे, आधा दर्जन नाम तो वो भी है।
तो उनको भी तो इनको डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि भ्रष्टाचार और जो राजनीति में बहुत, मतलब हमें नहीं लगता है कि बहुत नज़दीकी संबंध है, एक से एक भ्रष्ट आदमी जीत के चलाता है ना, और कितने लोगों को टिकट दे देती है भाजपा, नहीं देती है क्या? तो यही है, विनेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो हमको लगता है कि राजनीति की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो ये बिजली पानी सड़क ये आदि आदि की जो बिजली पानी और क्या क्या है जो भी है फ्री भी, उसके आधार पर मुझे अपना व्यक्तिगत रूप से लगता है कि विधानसभा स्तर पर केजरीवाल की अभी भी वही लोकप्रियता है। वही लोकप्रियता है, ये सतीश केसिंग साहब कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी, और कह रहे हैं कि ये तो मददगार साबित होंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर एक लाइन में डालूं तो बीजेपी की बी टीम अब रेडी है, कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, अब ये तो देखिए साजिशी सिद्धांत चलते हैं कि अरविंद जी को जमानत क्यों मिली। बहुत से पत्रकारों को मैं देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जमानत से पहले उन्होंने समझौता तोड़ दिया कांग्रेस से, तो ये कहा जाएगा। लेकिन आज की बात करें, और इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं, मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहराता हूं कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर शोध पत्र लिखे जाने चाहिए। अपना जिसको कहें कि जीता जागता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद केजरीवाल। नैतिकता के पाताल लोक में गिरा हुआ आदमी नैतिकता के शिखर पर खड़ा हो गया है। आप जरा सोचिए, आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा अरविंद जी ने दे दिया, उनकी लोकप्रियता कितनी है ये कोई कहने की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव भले वो हार जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके सामने कोई टिकता नहीं। अभी तो वो एमसीडी भी जीत गए हैं, कूड़े के पहाड़ से लेके यमुना में सपरिवार स्नान कराएंगे, सब झूठ निकल गया, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं, जनता उनको जिता रही है। वो बताते थे कि दिल्ली एकदम शानदार हो जाएगा, झीलों का शहर बना देंगे, अभी बारिश में सबने झीलों का शहर भी देखा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहाँ है? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल नामक जो ये फिनोमिना है, जो ये पॉलिटिशियन है, उससे लड़ने में, उसके सामने कोई भी रणनीति बनाने में नाकाम। भाजपा तो नेता ही नहीं खोज पा रही है कि कौन सा नेता होगा जो इनकी नीतियों को, कार्यक्रम को लेकर आगे चलेगा। अब जरा सोचिए, आज मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये ईमानदारी जो लाल बहादुर शास्त्री जी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, मतलब झूठ बोलते इन लोगों को शर्म नहीं आती है। लाल बहादुर शास्त्री और लाल कृष्ण आडवाणी से जो नैतिकता के मतलब शीर्ष पुरुष है उनसे तुलना कर रहा है अरविंद के, जो आदमी 5 महीने जिसने त्यागपत्र नहीं दिया, सब कहते रह गए। भारतीय राजनीति में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल से सरकार चलाता हो। तो नैतिकता जैसी चीज कोई नहीं, वो नैतिकता के पाताल लोक में गिरे हुए हैं। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी आती है, और इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी खोजेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही आत्मसमर्पण की मुद्रा में। अच्छा जतीश जी, आई थिंक आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि जी, ये बात तो आज की तारीख में फिट बैठ रही है कि जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पार्टी के दर्जन भर नेता जो हैं, और मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेल की सलाखों के पीछे है, एक शख्स जो सीएम है जेल में रहा 177 दिन लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, अचानक बाहर निकलते हैं और पता नहीं क्या होता है कि अब मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं, प्रूफ ऐसे करने की कोशिश कि देखिए भ्रष्टाचार की तो बू से भी हम एकदम मूर्छित हो जाते हैं। देखिए अभी एक मित्र बोल रहे थे कि 177 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया था, क्यों भाई? क्या भाजपा की साजिश के शिकार इतनी जल्दी हो जाते क्या? कि भाजपा क्या करती है, सारे विपक्ष को जेल में डाल दो, जहां ना जीतो वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस बना दो, चाहे वो हमारे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारी ममता जी दी हो, चाहे हमारे पिनाराई विजयन हो, जो भी मुख्यमंत्री हमारे, जहां हम नहीं जीते। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।